हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चरखा दाव बताने वाली हूँ। आप में से काफ़ियों ने कमेंट करके भी पूछा है कि चरखा दाव बताओ, तो आज मैं आपको चरखा दाव लगा के दिखाऊंगी। तो मेरी पार्टनर है स्नेहा। तो ये एक ग्राउंड में लगने वाला दाव है। पहले मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। यहाँ दूसरा अपोनेंट चित हो जाता है। तो ये दाव हम, जैसे हमारे अपोनेंट एक पैर में लगा हुआ है उस टाइम भी लगा सकते हैं, और नहीं लगा हुआ तो भी हम लगा सकते हैं इसको साइड में बैठ के। पर कुश्ती चल रही होती है तब अपोनेंट एक पैर जरूर पकड़ेगा ताकि वो मुझे रोक सके। तो ज़्यादा पोजीशन इसकी यही आएगी, इकैरी में लगा हुआ है और यहाँ ये पोजीशन है। तो इसमें क्या करना है, इसके ऊपर वेट डाल के रखूँगी और इस पैर को खींचूँगी अपनी साइड, बाहर की साइड निकालूँगी थोड़ा सा। जैसे ये पैर बाहर आया अपना पैर डालूँगी और अब पीछे की तरफ खींच लूँगी। इतना करने के बाद जो इसकी गर्दन है इसके ऊपर से मैं पैर डाल लूँगी, साइड में घुटना रखना है सिर के साइड में। उसके बाद मैं कुछ नहीं करना, अपने पैर से इसके पैर को खींचते हुए मैं पीछे बैठूँगी। यहाँ रोक के रखना है इसको। इसके दोनों शोल्डर टिक जाएंगे, ये वैसे ही चित हो जाएगी। तो यहाँ रोक के रखना है। एक बार फिर देखेंगे। इस साइड हो जा, पैर की तो दिखा दी इस साइड। जैसे मैं इसके ऊपर हूँ मैंने पैर खींचा और पैर डालना है अपना। इतना करने के बाद क्या करना है, ये देखो आप, इस साइड गर्दन दबाऊंगी और घुटने को इसकी गर्दन के साइड में रखूंगी। उसके बाद में इस पैर से इसके पैर को खींच के ये बैठना, ये सीमें। एक और काम हो जाएगा, सेम है, पैर खींचा अपना पैर डाला और पीछे की तरफ खींच लिया, सेम घुटना निकालेंगे। यहाँ मैं यहाँ बैठने की बजाय डाई कर सकती हूँ, डाइव आगे की तरफ। इतना होने के बाद फिर से यहाँ ये पैर खींचा और ये पैर डाल लिया, गर्दन के साइड में घुटना रखा। अभी मैं करूँगी डाइव, यहाँ कंट्रोल। तो आपने देखा चरखा दाव, आप भी इसको लगा के देखो, बहुत अच्छी टेक्निक है। जब अपोनेंट हमारा एक पैर पकड़ लेता है तब हम ये लगा सकते हैं, और इकैरी से तो बचेंगे और साथ ही साथ उसको चित भी करेंगे। तो आप भी इसको ट्राई करो, लगा के देखो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।